नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। और एक बार फिर से मैं अपना खास प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हूं। बात करूंगी शिवपाल सिंह यादव और मायावती के गठबंधन को लेकर। जी हां, लगातार इस बात की अटकलें चल रही हैं कि शिवपाल सिंह मायावती के साथ आ सकते हैं, और खुद इस बात की कहीं ना कहीं ख्वाहिश जताई थी शिवपाल सिंह यादव ने कि वो भी गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मायावती के साथ वो जुड़ना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन की या महागठबंधन की सरकार बिना उनके दल के शामिल किए बिना नहीं बन सकती है। चाहे साल 2019 का जिक्र करें और चाहे साल 2022 का जिक्र करें, उनका कहना है कि उनकी पार्टी भी मजबूत पार्टी है और उनकी पार्टी को अगर महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो कोई भी सरकार सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती है, चाहे वो केंद्र की सत्ता हो चाहे वो राज्य की सत्ता हो। इसके बाद से लगातार शिवपाल सिंह भी बीजेपी से अलायंस के लेकर काफी चीजें लगी कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और बीजेपी से उनकी साठगांठ है, क्योंकि इस बात का जो इशारा था वो केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि मैं शिवपाल सिंह यादव से आग्रह करता हूं कि अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर लें। और हालांकि उन्होंने किसी भी गठबंधन से ऐलान गठबंधन से जो था इनकार कर दिया था केशव प्रसाद मौर्य ने। उसके बाद से ये सवाल कहीं ना कहीं उठने लगे कि क्या वाकई शिवपाल सिंह यादव बीजेपी की भी एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। इसी पर कहीं ना कहीं गर्मा गए शिवपाल सिंह यादव, और जब भी वो मीडिया से बात करते हैं कोई ना कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछ लेता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं या फिर उसका जवाब देते हैं कि भाई देखिए, अगर आप हम पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगा रहे हैं, अगर आप हमें बोल रहे हैं कि हम बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो ऐसा करिए आप अपने गठबंधन में हमें शामिल कर लीजिए। शिवपाल ने सीधे सीधे ये जवाब दिया, यानी कि अगर या अखिलेश को भी जवाब हो सकता है, मायावती को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है कि भाई अगर आप हम पर ही तोहमत लगा रहे हैं कि हम भाजपा के साथ हैं तो भाई ऐसा करिए कि अपने कुनबे में हमें शामिल करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन शायद शिवपाल अब शायद किसी इस बयान से, इससे पहले भी वो कई बार मायावती को लेकर कह चुके हैं कि वो गठबंधन करने के इच्छुक हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या वाकई मायावती जो है शिवपाल के साथ जाएंगी और क्या वाकई मायावती शिवपाल के साथ गठबंधन करेंगी। देखिए, क्योंकि सियासत, मैं हमेशा कहती हूँ सियासत और सियासी समीकरण कब बदल जाए, कब 19-20 हो जाए, कब 20-21 हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। वैसे तो बबुआ के साथ हैं उत्तर प्रदेश में, हालांकि अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए, छत्तीसगढ़ में देखा जाए या फिर राजस्थान में देखा जाए, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में तो अजीत जोगी के साथ गई हैं और MP में अखिलेश ने कहा है कि वो बसपा के साथ जाएंगे, साथ ही वो गोंडवाना पार्टी के साथ जाएंगे। और राजस्थान का जिक्र करें तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी SP BSP साथ ही नजर आ रही है अभी तक, फिलहाल जितनी अपडेट आई है। तो कुल मिलाकर अब फिलहाल तो SP BSP का साथ याराना हर जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन याराना कब तक, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि शिवपाल सिंह की नज़र आखिर इस गठबंधन पे क्यों है। इस गठबंधन पे नज़र होने की उनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसमें अखिलेश यादव शामिल हैं, वो चाहते हैं इस गठबंधन में सेंध लगाना। और ऐसे में मायावती का क्या रुख होगा ये अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, मायावती भी अवसरवादी एक इंसान कही जाती हैं, अवसरवादी एक नेता कही जाती हैं, जहाँ पर उन्हें अवसर नज़र आता है वहाँ पर वो चौका मार देती हैं। तो क्या ऐसे में शिवपाल सिंह यादव जो मायावती के साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं, क्या शिवपाल सिंह यादव वाकई मायावती के साथ जुड़ेंगे, क्या मायावती उनमें इतनी दिलचस्पी रखती हैं? क्योंकि लगातार अगर मैं बात करूं तो मायावती का एक ऐसा स्टेटमेंट मेरे हाथों लगा है जो कि कहीं ना कहीं बताता है कि मायावती शिवपाल के साथ आ सकती हैं। हाँ, वो आ सकती हैं। इसकी वजह यह है कि जब उत्तर प्रदेश में 2017 यानी कि बीते साल विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उससे पहले जब चाचा और भतीजे यानी कि अखिलेश और शिवपाल के बीच खटास हुई थी, काफ़ी बवाल हुआ था दोनों के बीच, लड़ाई, बहसबाजी, मतभेद जो भी हुए थे व्हाटएवर, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मायावती जो थी शिवपाल के समर्थन में खड़ी हुई थी और उन्हें कहा था कि शिवपाल सिंह यादव को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और बलि का बकरा बनाया जाने से कहीं ना कहीं इस बात के संकेत मिल गए थे कि मायावती जो है एक अपनी हमदर्दी है जो शिवपाल के लिए जता रही हैं, लेकिन वो मायावती अब कुछ नहीं बोल रही हैं। वो मायावती अब शिवपाल अलग हो गए हैं, पार्टी बना ली है, नहीं अब कुछ नहीं बोलती मायावती, क्योंकि अब वो अखिलेश यादव के साथ अलायंस में है। तो इससे पता चलता है कि हो सकता है कि जब वो शिवपाल के साथ एक समय हमदर्दी रखा करती थी, हालांकि उस वक्त उनका सपा से 36 का आंकड़ा था, लेकिन अब वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि अखिलेश यादव उनके साथ हैं। तो अगर उस बयान को मैं कोड करके बताऊं तो हो सकता है कि मायावती शिवपाल के साथ आ भी जाएं। इसके अलावा जो शिवपाल सिंह यादव लगातार जो है बात कर रहे हैं मायावती को लेकर, उसके पीछे कहा जा रहा है कि वो एक बड़े नेता हैं जिनकी बातों को सुनकर वो इस तरह का फैसला कर रहे हैं और इस तरह की कहीं ना कहीं बातें कर रहे हैं। उन नेता का नाम है राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी से निष्कासित अमर सिंह, समझ गए होंगे आप, मुलायम सिंह का दाहिना हाथ कहे जाते थे अमर सिंह, आजकल मोदी के गुणगा रहे हैं, PM मोदी के गुणगा रहे हैं।
तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि अमर सिंह ने कहा था कि शिवपाल सिंह यादव को बीजेपी के साथ मिलकर 2019 का चुनाव लड़ना चाहिए, मगर शिवपाल ने साफ साफ कहा था कि वो समाजवादी हैं, इसलिए बीजेपी के साथ गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता है। और बीती 4 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं शिवपाल सिंह यादव से अपील करता हूँ कि वो अपनी पार्टी समाजवादी सेकुलर मोर्चा का बीजेपी में विलय कर लें, मैं उनका बीजेपी में स्वागत करता हूँ। हालांकि उन्होंने चुनाव से पहले गठबंधन की संभावनाओं को नकारा था। और शिवपाल यादव से जब एक बार पूछा गया कि क्या वो गठबंधन में शामिल होना चाहेंगे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि ज़रूर, अगर मुझे शामिल होने के लिए कहा जाता है तो गठबंधन का हिस्सा ज़रूर बनूंगा। और शिवपाल यादव जो हैं कहते हैं कि उनके छोटे छोटे दल जो है 45 दलों से उनका तालमेल बैठ गया है। और मायावती भी कुछ इसी तरह की नेता हैं कि वो छोटे छोटे दलों को साथ में लेकर चलना चाहती हैं, तो ऐसे में क्या शिवपाल उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन, एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं? फिलहाल ये सिर्फ संभावनाएं हैं। और इसके साथ ही अमर सिंह ने उनको एक ये भी कहा था कि चुनाव के लिए मायावती छोटे छोटे सियासी दलों के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, तो ऐसे में शिवपाल सिंह यादव और मायावती को एक साथ चुनाव लड़ने के बारे में सोचना चाहिए था, ये कहा था अमर सिंह ने। अब पूर्व समाजवादी नेता अमर सिंह ने अगर ये कहा, और क्या उन्हीं की सलाह पर अमल कर रहे हैं शिवपाल सिंह यादव? देखिए, शिवपाल सिंह यादव को अभी बहुत बड़े बड़े नेताओं की ज़रूरत है, और इस बात से शायद शिवपाल सिंह यादव भी इनकार नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हों और चाहे अब उनका रुझान मायावती की तरफ हो। अमर सिंह अगर ये बात बोले तो अमर सिंह की ही बात को क्यों कोट किया जाए? कहीं ना कहीं शिवपाल को ज़रूरत है कि वो मायावती को अपने साथ लेकर आएँ। अगर मायावती एक मिनट के लिए आ भी जाती हैं तो इससे कहीं ना कहीं सबसे ज़ोरदार झटका तो अखिलेश यादव को लगेगा, फिर उसके बाद शायद अखिलेश को सुध ही नहीं रहेगी कि आखिर वो करें तो करें क्या। समाजवादियों को तगड़ा झटका लगेगा, समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगेगा, लेकिन अभी जो पूरी जो गेंद है जो है वो है मायावती के पाले में। अब मायावती वो उस गेंद को किसके पाले में फेंकती हैं, अखिलेश या शिवपाल, ये उनके हाथ में फैसला है। लेकिन हाँ, जिस तरह से अमर सिंह ने बोला कि दोनों को गठबंधन करना चाहिए, मायावती छोटे सियासी दलों में ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं, शिवपाल भी वही काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि 45 दलों के साथ उनका गठबंधन हो चुका है, छोटे छोटे सियासी दल हैं जो उनके संपर्क में हैं, और बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं वो उनके साथ कहीं ना कहीं पार्टी में शामिल होने के लिए बेकरार हैं, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा नेता जो हैं उनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अब ऐसे में बड़ी बात तो ये है कि आखिर मायावती का क्या रुख होगा। अगर मायावती के अगर बीते साल के स्टेटमेंट की तरफ जिक्र की तरफ रुख किया जाए, तो मायावती ने हमदर्दी दिखाई शिवपाल को लेकर कि शिवपाल के साथ गलत हो रहा है, शिवपाल को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, शिवपाल के साथ अखिलेश यादव ने सही नहीं किया, शिवपाल ने बहुत कुछ किया पार्टी के लिए, उन्हें कुछ सिला नहीं मिला। तो आज वो मायावती चुप है, क्यों? क्योंकि अब उनका अखिलेश यादव से गठबंधन हो गया है। लेकिन अगर शिवपाल इसमें दिलचस्पी दिखा रहे, अगर यहाँ पे कोई भी सियासी गणित समझ में आ गई मायावती को, तो हो सकता है कि वो शिवपाल के साथ जाना मुनासिब समझे, हो सकता है, लेकिन होगा ये नहीं कह सकते हैं। साथ ही अखिलेश यादव के साथ वो शायद गठबंधन नहीं ब्रेक करेंगी, क्योंकि उन्हें भी एक सहारे की ज़रूरत है, उन्हें भी पता है कि भले ही वो एक बेहतरीन दलित नेता हैं, लेकिन अब उनका वो रुतबा, वो मायावती अब नहीं रही जो एक वक्त मायावती थी। तो हर किसी का समय आता है, तो इस वक्त अगर समय कहा जाए तो सपा और बसपा दोनों का ही बुरा चल रहा है, और कहते भी हैं ना कि जब दोनों का समय बुरा है तो दोनों एक साथ होकर अपना अच्छा समय ला सकते हैं। तो हो सकता है कि सपा और बसपा जब दोनों का बुरा समय चल रहा है तो दोनों एक साथ गठबंधन में हैं, अब इस बुरे समय को अच्छे समय में कैसे तब्दील होगा, कैसे करना है, ये दोनों जानते होंगे बेहतर। लेकिन हाँ, शिवपाल सिंह यादव का कितना बुरा और कितना अच्छा समय आएगा, उन्होंने नई पार्टी बना ली है, ये अलग ही बात है, क्योंकि अभी उनकी पार्टी को और मजबूत करना है, उस नींव को बहुत मजबूत करना है। जिला अध्यक्षों की बात कर लें या फिर प्रभारियों की बात कर लें, नियुक्त तो उन्होंने कर लिए हैं, लेकिन कैसे क्रियान्वयन होगा पार्टी का, कैसे वो सब कुछ करेंगे, ये अभी देखने वाली बात होगी। और शिवपाल सिंह यादव जिस तरह से जोर आजमाइश कर रहे हैं, उनके कई बयानों में मायावती का जिक्र होता है, वो साफ साफ बयां करता है कि मायावती को लेकर वो हल्के में नहीं है, वो मायावती को हल्के में नहीं ले रहे, हल्के में लेना भी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी नज़र अब बसपा सुप्रीम मायावती पर है। हालांकि मायावती इतनी मजंदर खिलाड़ी हैं राजनीति की कि वो ऐसे ही कोई पासा नहीं खेलती हैं, ना ही ऐसे कोई दाव खेलती हैं। तो अब देखना यही होगा कि क्या वाकई अमर सिंह की जो सलाह है उस पर अमल कर रहे हैं शिवपाल सिंह यादव, या फिर शिवपाल को भी ऐसा आभास हो रहा है कि अगर कोई एक बड़ा नेता उनकी पार्टी से जुड़ जाता है तो ऐसे में उनकी पार्टी का जो बेड़ा पार होना है वो और भी आसानी से हो सकता है अगले साल। तो ऐसे में उनकी नज़र अभी फिलहाल मायावती पर है, और मायावती से वो एक तीर से दो निशाने कर सकते हैं, एक तो अखिलेश, और कहीं ना कहीं उससे ताबड़तोड़ उससे झटका मिल सकता है
अखिलेश के कुटुंबे को और समाजवादी पार्टी को इससे कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को फायदा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश को नुकसान हो सकता है। फिलहाल सब कुछ मायावती के हाथ में है कि मायावती आखिर करती क्या है। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।